एक आदमी हर रोज सुबह बगीचे में टहलने जाता था। एक बार उसने बगीचे में एक पेड़ की टहनी पर एक तितली का कोकून यानी कि छत्ता देखा। अब वह रोजाना उसे देखने लगा। एक दिन उसने देखा कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद हो गया है। उत्सुकतावश वह उसके पास जाकर बड़े ध्यान से उसे देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक छोटी सी तितली उस छेद में से बाहर आने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उसे बाहर निकलने में तकलीफ हो रही है। उस आदमी को उस पर दया आ गई। उसने उस कोकून का छेद इतना बड़ा कर दिया कि तितली आसानी से बाहर निकल जाए। कुछ समय बाद तितली कोकून से बाहर आ गई, लेकिन उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख भी सूखे पड़े थे। आदमी ने सोचा कि तितली अब उड़ेगी, लेकिन सूजन के कारण तितली उड़ नहीं सकी और कुछ देर बाद मर गई। दरअसल भगवान ने ही तितली के कोकून से बाहर आने की प्रक्रिया को इतना कठिन बनाया है, जिससे कि संघर्ष करने के दौरान तितली के शरीर पर मौजूद तरल उसके पंखों तक पहुंच सके और उसके पंख मजबूत होकर उड़ने लायक बन सके और तितली खुले आसमान में उड़ान भर सके। यह संघर्ष ही उस तितली की क्षमताओं को एहसास कराता है। इसलिए जब कभी आपके जीवन में मुश्किलें या समस्याएं आए तो उससे घबराएं नहीं, उसका डटकर सामना करें। आप सभी मुश्किलों समस्याओं पर विजय पा लेंगे।